हे गाइस वेलकम टू माय चैनल दैट इज गेट इट क्लियर गाइस जैसे कि आपको पता है कि आपका संडे को वाई एस परमार जे का एग्जाम हुआ था तो गाइस उसका बचा हुआ कंप्यूटर सेक्शन जो है वो हम अब डिस्कस करने वाले हैं तो आइए जल्दी से देख लेते हैं कि हमारे कंप्यूटर सेक्शन में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे गाइज यहाँ पर हम बात करें तो सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया था द टेक्स्ट कलर इन अ प्रेजेंटेशन शुड कंट्रास्ट विद द कलर ऑफ गाइस इसका सही आंसर जो है वो है आपका ऑप्शन ए सेकेंड क्वेश्चन था आपका इसका सिलेक्ट द ऑप्शन विच नॉट रिप्रेजेंट एक्सैंपल ऑफ मल्टी कास्ट तो गाइस इसका सही आंसर जो है वो है ऑप्शन डी नेक्स्ट क्वेश्चन था सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फॉर द गिवन आईपी एड्रेस थ्री हंड्रेड तो गाइस इसका सही आंसर जो है वो है ऑप्शन ए दिस इज नॉट अ वैलिड आईपी एड्रेस चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है इफ द बैंड ऑफ द लाइन इज 1.5 पॉइंट फाइव इज 45 मीटर पर सेकेंड एंड पैकेट साइज इज वन के देन फाइंड द लिंक यूटिलाईजेशन इन स्टॉप एंड वेट फॉर कंट्रोल प्रोटोकॉल तो गाइस इसका सही आंसर जो है वो है आपका ऑप्शन ए परसेंट ठीक है चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मैक्सिमम विंडो साइज फॉर द डेटा ट्रांसमिशन यूजिंग द सिलेक्टिव रिपीट प्रोटोकॉल विद एन बिट फ्रेम सीक्वेंस नंबर इज तो गाइस इसका सही आंसर जो है वो है, वो है आपका ऑप्शन बी नेक्स्ट क्वेश्चन है लेट एन एरे ए इज डिफाइंड एज ए आपका ब्रैकेट रखी है थ्री फाइव इज इक्स टू जो भी आपका क्वेश्चन है 1 से लेके फिफ्टीन वेयर एन इंटीजर इफ द बेस एड्रेसेंड द मेमरी लोकेशन ऑफ ए ब्रैकेट वन फोर विल बी टू गाइज इसका सही आंसर जो होगा आपका वो होगा ऑप्शन ए दैट इज वन जीरो थ्री सिक्स चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ वट इज द वैल्यू ऑफ पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन सिक्स थ्री टू फोर प्लस माइनस और यहाँ पर आपको मल्टीप्लीकेशन देखे रखा है तो गाइस इसका सही आंसर जो है वो है ऑप्शन डी दैट इज माइनस एटीन नेक्स्ट क्वेश्चन अ ग्राफिक कार्ड हैज ऑन बोर्ड मेमोरी ऑफ वन एम बी विच ऑफ द फॉलोइंग मोड्स कैन द कार्ड कैन नॉट सपोर्ट तो गाइस इसका सही आंसर जो है जिसको ये सपोर्ट नहीं करेगा वो है ऑप्शन बी नेक्स्ट क्वेश्चन द शॉर्टकट टू ऐड मल्टीपल रो स्लैश कॉलम्स स्लैश बिलो ऑफ अ रो इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट इज तो अर्ड इसका सही आंसर जो है वो है ऑप्शन ए नेक्स्ट क्वेश्चन द मेल मर्ज ऑप्शन इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट इज फाउंड अंडर विच ऑप्शन तो गाइज ये आपका प्रेजेंट होता है मेलिंग टैब में नेक्स्ट क्वेश्चन है द करेक्ट ऑप्शन फॉर प्राइमरी की एंड यूनिक की इज तो गाइस इसका सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन सी गाइस आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में कन्वर्जन दी गई है फाइंड द डेसिमल इक्विलेंट ऑफ बाइनरी नंबर तो गाइस इसका सही आंसर जो होगा वो होगा आपका ऑप्शन बी ठीक है गाइस तो so इस चीज का आपने ध्यान रखना है गाइस चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ क्या बोलता है इन ए एस पी डॉट नेट द वेब डॉट कन्फिक फाइल इज यूज फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग सही आंसर जो है वो है ऑप्शन ए द डिफॉल्ट वेब सर्वर यूज इन लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम बेस्ड मशीन इज तो इसका सही आंसर जो है ऑप्शन बी अपाचे नेक्स्ट क्वेश्चन वन गीगाट सी पी यू दैट इज सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कैन कैरी हाउ मच मैक्सिमम इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड तो गाइस इसका सही आंसर है ऑप्शन ए

ऑप्शन ए इसका सही आंसर है कर्नल नेक्स्ट क्वेश्चन डैश डिनोट्स एन एरर इन कंप्यूटर प्रोग्राम तो गाइस ऑप्शन बी इसका सही आंसर है सी एल आर इज है आपका करेक्ट ऑप्शन सी जावा वर्चुअल मशीन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है गाइस आपका आइए हम देख लेते हैं वीडियो कंसिस्ट ऑफ अ सीक्वेंस ऑफ तो गाइस इसका है फ्रेम्स

इंक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन वर्क एट विच लेयर ऑफ ओ एस आई मॉडल तो इसका सही आंसर जो है वो है प्रेजेंटेशन लेयर नेक्स्ट क्वेश्चन फिजिकल पाथ इज एस्टेब्लिश इन ऑल द वे फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर इज नोन एज ऑल अब आर ट्रू गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पर देख रखा है सूडो कोड ऑफ डेटा स्ट्रक्चर स्ट्रक्ट मोड इंट डेटा स्ट्रक्ट मोड आपको ये देखकर रखा है तो इसका जो आंसर होगा इसके अकॉर्डिंग वो होगा डब्लू लिंक्ड लिस्ट ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन इन अ स्टैक कॉमा इफ अ यूजर ट्राइज टू रिमूव एन एलिमेंट फ्रॉम एम टी स्टैक इट इज कॉल्ड एज अंडर फ्लो इसको आप बोलोगे अंडर फ्लो फ्लो गाइज तो इस चीज का आपने ध्यान रखना है नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है बाई डिफॉल्ट एस पी डॉट नेट स्टोर द सेशन आईडी होता है आपका कुकी ऑप्शन बी द लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम कमांड टू गिव रीड राइट एंड एग्जीक्यूट परमिशन टू ऑल दैट इज यूजर ग्रुप एंड अदर इज तो इसका सही आंसर जो होगा ऑप्शन ए एरे कैन बी इनिशियलाइज प्रोवाइडेड दे आर तो इसका आंसर जो है ऑप्शन सी स्टेटिक विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डीबीएमएस सॉफ्टवेयर तो गाइस ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ नेटवर्क टोपोलॉजीज़ तो गाइस ऑप्शन बी सही आंसर है इसका मेंटेनिंग एंड एश्योरिंग द एक्यूरेसी एंड कंसिस्टेंसी ऑफ डेटा इज कॉल्ड डेटा इंटीग्रिटी ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एवीआई तो ऑप्शन डी ऑडियो वीडियो इंटरलीव इसका सही आंसर होगा नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट की इज यूज्ड टू सेट 1.5 लाइन स्पेसिंग इन एमएस वर्ड तो गाइस ऑप्शन सी कंट्रोल प्लस 5 पार्ट ऑफ अनगाइडेड मीडिया तो इसका सही आंसर जो है ऑप्शन डी ट्विस्टेड पेयर नेक्स्ट क्वेश्चन द फंक्शन दैट इज क्रिएटेड फ्रॉम कॉल टू अट फंक्शन इज नोन एज टू गाइज इसको बोलते हैं आप स्पॉन आपका ऑप्शन सी जो होगा वो बिल्कुल सही आंसर होगा नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग नेटवर्क प्रोटोकॉल इज यूज टू सेंड ई मेल तो इसका आंसर जो है वो है ऑप्शन डी एस एम टी पी डिफरेंट कंप्यूटर्स आर कनेक्टेड टू अ लैन बाय अ केबल एंड ऑप्शन बी नेटवर्क इंटरफेस कार्ड इसका सही आंसर होगा इंटीजर डिवीजन इन सी प्रोग्राम रिजल्ट इन तो गाइस ट्रंकेशन इसका सही आंसर है गाइज हम मैं बात करूं द कमांड ऑफ लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम टू चेक द वेट सेक्टर इन योर पेन ड्राइव इज तो गाइज इसका कुछ और कमांड बताई जा रही है जब हम सर्च कर रहे हैं तो अब देखना है कि आंसर की में ये कौन सा आंसर देते हैं इसमें से एक भी कमांड यहाँ पर शो नहीं कर रहा है ठीक है गाइज तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कम्बिनेशन ऑफ मल्टी मीडिया एंड हाइपर लिंक्स इज कॉल्ड एज तो गाइज उसको बोलेंगे आप हाइपर टेक्स्ट ऑप्शन ए द स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल ऑफ द इंटरनेट इज तो गाइज ये है आपका टीसीपी स्लैश आई ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है द ऑपरेटर आपको पता है एंड इज अ डैश ऑपरेटर ये आपका लॉजिकल ऑपरेटर होता है ठीक है गाइज चूज द करेक्ट स्टेटमेंट तो गाइज यहाँ पर आपका ऑप्शन ए सही आंसर है ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर एंड ऑप्टिकल मार्क Recognition आपके एग्जाम्पल होते हैं इनपुट डिवाइसेस के ठीक है गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन था अमंग ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग तो गाइस इसका आंसर जो होगा ऑप्शन ए होगा मशीन लैंग्वेज एंड असेंबली लैंग्वेज आर एग्जाम्पल ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज ठीक है गाइस नेक्स्ट है आपका द डेटा इन एक्सेल शीट शुड बी इन विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मेट टू यूज इट इन ऑर्डर टू क्रिएट अल मर्ज इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट तो गाइज यहाँ पर आपका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी वो अब ऑप्शन ए एंड बी आर करेक्ट फॉर मेल मर्ज ठीक है गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका स्विचिंग दीप यू टू अनदर प्रोसेस रिक्वायर्स तो गाइज इसका सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन बी सेविंग द स्टेट ऑफ द ओल्ड प्रोसेस एंड लोडिंग द सेव स्टेट फॉर द न्यू प्रोसेस ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें विद रिस्पेक्ट टू द स्टेटमेंट एम एस वॉर्ड इज रनिंग ऑन अंडोज मशीन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट टू गाइज यहां पर करेक्ट आंसर जो है वो है ऑप्शन सी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ क्या बोलता है डैश रेफर्स टू द रिवर्सिबल स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस इन विच गिवन सेट ऑफ रिलेशन इज रिप्लेस्ड बायसेसिव कलेक्शन ऑफ रिलेशन दैट है प्रोग्रेसिवली सिंपलर एंड मोर रेगुलर स्ट्रक्चर तो गाइज इसका सही आंसर जो है वो है आपका ऑप्शन ए नॉर्मलाइजेशन नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फॉर द डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग तो गाइज इसका सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन डी ऑल अब ऑप्शन आर करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एस एम टी पी तो गाइज इसका सही आंसर जो है ऑप्शन सी सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल और गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको यहां पर निकालना था कि द नंबर दैट विल बी डिस्प्लेड ऑन एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम यहां पर प्रोग्राम आपको रखा है और आपने बताना है कि जब एग्जीक्यूट करेगा तो कौन सा नंबर मिलेगा तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा वो ऑप्शन डी गाइस आपको सी के क्वेश्चंस जो है वो हमने ट्यूटोरियल में बहुत अच्छे से कराए थे और बहुत डीप डीप तरीके से हमने सी को कराने की कोशिश की थी तो उसमें से आपको क्वेश्चन आए हैं अगर आपको इस क्वेश्चन को निकालने में कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप हमारे सी के ट्यूटोरियल जो है वो देख सकते हैं ठीक है गाइज तो गाइज ये था आपका वायस परमार नॉनी यूनिवर्सिटी का कंप्यूटर का सेक्शन तो गाइज ऑल द वेरी वेरी बेस्ट फॉर योर नेक्स्ट एग्जाम एंड हैव अ गुड डे गाइज अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो गेट इट क्लियर चैनल को लाइक कीजिए शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए थैंक यू